नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष अम्बेकर और मैं हूँ नेचुरोपैथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है वो कितने समय तक करनी चाहिए, जो भी हम लोग जो डाइट प्लानिंग करते हैं या जो भी हम लोग न्यूट्रिशंस देते हैं, तो वो कितने टाइम तक हम लोग लेने के बाद डिसाइड करें कि आगे ट्रीटमेंट बंद करनी है या मतलब चालू रखनी है। तो जो भी आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको 3 महीने के बाद ही चेक करना है कि आपको कितना रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। वैसे तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में जो न्यूट्रिशंस यूज होते हैं वो ड्रग फ्री रहते हैं, 100% नेचुरल। तो उसका उसका जो बेनिफिट है वो होता ही है 100%, क्योंकि उसका जीरो साइड इफेक्ट है। तो आप उसे ऐसे बोल नहीं सकते हैं मेडिसिन की तरह कि कुछ रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि मेडिसिन जो होता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसकी जो रिएक्शन होती है इंस्टेंट जो आपको दिखता है सामने, वो बेसिकली जो डिसीजेस होते हैं उसको सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट आया, लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है जो डिसीज़ क्योर करने का, तो आप जो रोज़ाना जो खाना खाते हैं, जो भी आप डाइट प्लानिंग करते हैं, तो वही मतलब काम में आता है और बॉडी वही यूज़ करके, न्यूट्रिशंस उसमें से यूज़ करके आपका जो भी डिसीज़ है, मतलब जैसे ले लीजिए लीजिए सर्दी खांसी है तो ठीक कर देती है, या बुखार है तो गोलियों के पीछे आपका जो आहार होता है वही काम करता है, लेकिन ये सबको पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपने मेडिसिन खाया और आप अच्छे हो गए? तो अगर आप मेडिसिन खा के अच्छे होते हैं तो आप फिर 1-2 दिन में क्यों नहीं अच्छे होते हैं? आपको 7 या 8 दिन क्यों लगते हैं? तो रीज़न यही है, आप जो भी फूड ले रहे हैं उसका ही एक रिज़ल्ट होता है कि आप अच्छे होने का वही रिज़ल्ट है आपका। मतलब जो फूड इन मेडिसिन हम लोग जो नेचुरोपैथी में बोलते हैं, तो वो एक्चुअल रीज़न है। हम लोग अब मेरे थोड़े क्लिनिक सेटअप के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये मेरा होम बेस क्लिनिक है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा एक्चुअली चार्ट है, आपको अभी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, ये जी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये नेचुरोपैथी के ये 6 प्रिंसिपल है। फर्स्ट, डू नो हार्म, मतलब नेचुरोपैथी में कोई भी मतलब आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द काउजेस, तो इसमें क्या होता है जो रूट कॉज होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। फिर हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, जो नेचर की हीलिंग पावर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और डॉक्टर एज टीचर, मतलब हम लोग एज ए टीचर, मतलब आपको हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है नेचुरोपैथी में, तो वो हम लोग करते हैं। फिर ट्रीट द होल पर्सन, मतलब हम लोग पूरी जो बॉडी होती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम बेस्ड, अगर खांसी है तो उस पर काम करेंगे, जो भी बड़ी डिसीज़ है तो ऐसा नहीं है कि मतलब टोटली आपके जो ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, तो उस पर सारा हम लोग ध्यान रख के टोटल बॉडी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर प्रिवेंशन, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो भी है मतलब वेलनेस पे ध्यान दो, जिसकी वजह से आपका जो भी डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा छोटा सा ऐसा होम बेस्ड क्लिनिक है, ये मेरे सर्टिफिकेट से यहाँ पर अभी लाइट का प्रॉब्लम है तो शायद आपको दिख नहीं रहा है। और ये मेरे पास है, ये स्टेथोस्कोप है, इसका एक्चुअली बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि नेचुरोपैथी जो डॉक्टर होते हैं वो होल बॉडी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग को अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल गई पेशेंट के बारे में, उसके पिछले हिस्ट्री के बारे में, डिसीज हिस्ट्री के बारे में, उस तो इससे इसके ऊपर ही हम लोग उसको होल बॉडी ट्रीटमेंट है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिम्टम बेस हम लोग तो ट्रीटमेंट कर नहीं रहे कि किसी का पैर दुख रहा है तो पैर पे दे दो, पैर के लिए मतलब अगर उसका फीट में प्रॉब्लम है तो हम लोग फीट के लिए दवाई नहीं दे रहे, हम लोग टोटल होल बॉडी के लिए, मतलब जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वो हम लोग उसको निकाल देते हैं।
ठीक है, तो ए है स्टेथोस्कोप है, फिर ए है बीपी मॉनिटरिंग मशीन है, ठीक है, एक्यूप्रेशर किट है, ठीक है, और ये है एनीमा किट है, ये गोमूत्र रखा हुआ है, ये नस्य के लिए रखा हुआ है, नस्य के लिए ड्रॉप रखे हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी जो ये ट्रीटमेंट है, तो हम लोग होल बॉडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और नेचुरोपैथी में ऐसा है कि हर कोई आज उठ के नेचुरोपैथी कर रहा है, क्योंकि वो 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो कोई भी कर लेता है और नेचुरोपैथ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि हर कोई ट्रीटमेंट कर लेता है, उसके पास एक्यूप्रेशर किट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि नेचुरोपैथी में जो मेडिसिन होता है वो हम लोग फूड यूज़ करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इज़ अ मेडिसिन। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग जो क्या कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं होल बॉडी ट्रीटमेंट करने के लिए, हम लोग क्या कॉम्बिनेशन, तो कोई जो नेचुरोपैथ है वो कुछ हर्ब्स का यूज़ कर लेते हैं, कुछ फ्रूट्स का यूज़ कर लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कितने वो आपको सोचना है, क्योंकि आपको कोई बोलेगा कि आप एलोवेरा जूस पी लो, फिर आपको कोई बोलेगा कि आप बेरी नेक्टर का जूस पी लो, फिर आपको कोई बोलेगा ओमेगा 3 का टैबलेट खा लो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इसके लिए आपको अलग अलग गोलियाँ या जो भी ड्रिंक्स है वो आपको लेने पड़ते हैं, जूस थेरेपी है वो लेने पड़ते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो चूर्ण देंगे, जो काढ़े देंगे, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा करके वो ट्रीटमेंट है वो कर नहीं पाते, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है या जो भी है तो अच्छा लगता नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग मेरे जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक जूस थेरेपी है, तो उसमें 150 के ऊपर, तो उसमें 150 के ऊपर हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब जो जो नेसेसरी है हर एक ऑर्गन के लिए, मतलब ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, वो सारा कुछ उसमें डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो होल बॉडी का वो केयर कर लेता है। तो उसकी कॉस्ट है 6,000, और मैंने क्या किया है, जो क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्वदेशी स्वदेशी करते हैं, लेकिन जो फैक्ट है कि मिलावट का ज़माना है, तो कुछ ना कुछ तो मिलावट हो ही जाती है, तो वो मैं मतलब प्रिवेंट, मतलब वो ये करने के लिए, मतलब वो हम लोग यूज़ करके पैसे बचा सकते हैं, लेकिन उसका उतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरी जूस थेरेपी है वो यूएसए से इंपोर्ट करता हूँ, तो यूएसए के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही हाई है, तो उसके जो मेजरमेंट है, उसके जो सर्टिफिकेशंस है, तो एक तो मेरी जूस थेरेपी वो ड्रग फ्री है, तो उसमें कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह मिला हुआ नहीं है, कोई भी 2 साल का बच्चा भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, मैं अभी आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जो जूस थेरेपी है वो सारे रोगों के ऊपर है, मतलब मेरे पास आप मेरी वेबसाइट देखेंगे tiny.cc/modern-naturopathy, तो आप ये वेबसाइट पे जाके देखिए कितने सारे रिजल्ट हैं। तो उसमें आपको कैंसर भी मिलेगा, पैरालिसिस भी मिलेगा, सेरिब्रल पैरालिसिस भी मिलेगा, सोरायसिस भी मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी मिलेगा, उसमें किडनी फेलियर है, थैलेस, तो ये सारे रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट है। तो ये सारे जो रिजल्ट है वो जूस थेरेपी के वजह से ही आए हुए हैं, तो उन्होंने मतलब उसके साथ जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, जो नेचुरोपैथी गाइडलाइंस है वो फॉलो किए हैं, फिर उसके साथ योगा है, एक्सरसाइज है, एक्यूप्रेशर है, तो ये सारे टेक्निक भी उसके साथ फॉलो करने जरूरी है। तो अभी दोस्तों मैं आपको मेन चीज़ पे आता हूँ, क्या होता है कि लोग अभी 6,000 रुपये की जो जूस थेरेपी है इम्पोर्ट होके उसका जो कॉस्ट आ जाता है, तो हम लोग किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग 5,000 में दे दे देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि 5,000 पे भी बहुत मतलब बहुत सोचने लगते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी वेलनेस के लिए तो हम लोग कभी सोचते नहीं है, क्योंकि वेलनेस के लिए कौन डालेगा 5,000 रुपया, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मैं क्यों 5,000 इन्वेस्ट करूँ मेरे बॉडी पे, कुछ बीमार होऊंगा तो मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, 20-40 रुपये का ले लूंगा दवा और ठीक हो गया। फिर जब भी बड़ी सी बीमारी हो जाएगी, हार्ट सर्जरी है, किडनी फेलियर है, जो भी है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तभी हम लोग का इंश्योरेंस है, 5-6 लाख रुपए हम लोग डॉक्टर को दे देंगे,
और बॉडी को टॉर्चर करके हम लोग ऑपरेशन जो भी है सर्जरी वो कर लेंगे, फिर क्या हो गया। तो दोस्तों आप मतलब आपको सब इजी लग रहा है कि सर्जरी ऑपरेशन आपका फ्री में हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो जो ऑपरेशन होने के बाद जो तकलीफें होती है वो जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको ही पता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वेलनेस के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके हम लोग को जो भी 5,000 के आसपास जो भी है वेलनेस के लिए खर्चा वो मंथली हमको साइड में निकालना ही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप स्मोकिंग बंद कर दो, अल्कोहल लेना बंद कर दो, थोड़े पार्टी कम कर दो, थोड़ा बाहर घूमना कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप मतलब पैसा बचा सकते हैं, ये आप मतलब ध्यान में लीजिए। और वेलनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो प्रेशियस बॉडी है तो उसको बचाने के लिए उसका आप रिस्पेक्ट करके आप उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। आप मेडिसिन खा रहे हैं मतलब बॉडी को आप टॉर्चर कर रहे हैं केमिकल्स खा के, ये आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब भी आप नेचर के पास जाएंगे ना, आप नेचर को समझ में लगेंगे, नेचर की जो पावर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना नेचर को प्यार करेंगे उतना नेचर हम लोग को प्यार करेगा, लेकिन हम लोग नेचर के खिलाफ जाएंगे तो उतना ही हम लोग नेचर भी हम लोग को पनिश करेगा, ये हम लोग को पता ही है। जैसे बाढ़ आती है, भूकंप होता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये 5,000 रुपये की लोग सोच रहे हैं ना, मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरी मम्मी है उसको डायबिटीज़ हुआ था, उसको पैरालिसिस हुआ था, तो उसको मैंने ठीक किया, ओके। तो क्या है कि उनको मतलब मैंने एडमिट किया था जैसे सब लोग करते हैं, और सिर्फ 7 दिन का 70,000 रुपया दिया था, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। उसका मतलब जो रिएक्शन हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, बॉडी में पूरी सूजन आ गई, ठीक है। तो मेरा 70,000 रुपया वहाँ पे गया। तो तभी हम लोग कोई पूछने जाते नहीं है डॉक्टर को कि कुछ रिजल्ट नहीं आया, आप हमारा पैसा दे दो रिटर्न, क्योंकि हम लोग वहाँ पे लिख के देते हैं वो एग्रीमेंट पे, पहले ही हम लोग सिग्नेचर कर लेते हैं एडमिट करने के पहले, ठीक है। तो वहाँ पे तो कोई पूछने वाला रहता नहीं, लेकिन हम लोग जब भी 5,000 रुपया हम लोग अगर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दुनिया भर की हम लोग चीज़ें सोचने लगते हैं। पहले आपको क्या देखना है, आपका जो न्यूट्री क्या देखना है, जो न्यूट्रिशन है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने सारे हैं वो आपको देखना है। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, जैसे एलोवेरा है, जैसे जिंचिया है, जिंको है, जो भी फ्रूट्स है मेडिसिनल फ्रूट्स होते हैं, ग्लैडियोला, नोनी फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सारे उसमें है, तो उसमें है तो उसका तो रिजल्ट आएगा ही ना, उसके जो विटामिन्स है मिनरल्स है उसका तो रिजल्ट मिलने वाला ही है, ठीक है। तो हम लोग 5,000 रुपये जो डालेंगे उसका तो रिजल्ट हम लोग को आना है 100%, लेकिन जो आपकी जो बीमारी है उसके ऊपर कितने टाइम के बाद आता है ये आपको सोचना है, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है कि हम लोग वेलनेस के लिए 5,000 रुपया डालने के लिए सोच सकते हैं कि चलो मैं अभी ठीक हूँ तो बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको जब भी डिसीज़ होता है तभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, आपको 5,000 रुपया डालना ही है। तो आप उस पर आप सोचते रहेंगे तो आपका डिसीज़ बढ़ते जाएगा, फिर आपको फिर लाखों में उसका खर्चा हो जाएगा। तो ठीक है चलो, मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो मेरे लिए वेलनेस में, मैं भी मतलब 1 साल जो मेरी बीपी की ट्रीटमेंट चालू थी तो 1 साल मैंने गोलियां खाई है, ठीक है। तो उससे भी परेशान होकर फिर मैं बाद में खुद मैंने नेचुरोपैथी की, और खुद को मैंने पहले मेडिसिन फ्री किया और हेल्दी किया, ओके, मेरा बीपी वगैरह सब नॉर्मल हो गया और अभी मैं एक भी गोली नहीं खा रहा हूँ। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो गया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने अभी ऊपर से मेरे जो माला है ऊपर का वहाँ से सब मैंने निकाला है, न्यूट्रिशंस मैंने कितने सारे लिए थे, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये मेरा किचन है, ठीक है, अभी आप देखिए ये बॉटल्स है, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बॉटल्स है, और यहाँ मैंने रखे हुए हैं, तो ये पूरे खाली बॉटल्स है, यही 5,000 रुपये की ये जूस थेरेपी है, आप देख रहे हैं। तो ये हम लोग वेलनेस के लिए लेते हैं, मेरे पूरी फैमिली, चलो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते तो हम लोग एक ही बॉटल यूज़ कर लेते हैं, पूरे फैमिली में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ और चीज़ें, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी ऊपर माले से निकला, आपको थोड़ा धूल रहेगा वहाँ पे। तो ये सारे, ये तो पूरी थैली भर के एलोवेरा जूस की थैली है, अलग अलग जूस थेरेपी है इसमें, ठीक है, आप देखिए।
देख रहे हैं आप, ये देखो एक जूस थेरेपी है, देख रहे हैं आप, ये देखो एलोवेरा जूस ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप सोचिए अगर ये सारे इम्पोर्टेड है, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप सोचिए कि इस पे कितना खर्चा हुआ रहेगा। आप मतलब 5,000 रुपये के लिए आप सोचते रहते हैं कि मुझे मेरा डिसीज ठीक करने के लिए मतलब 5,000 रुपये डालना है कि नहीं डालना है। आप मतलब सोचते ही जा रहे हैं कि अरे 5,000 रुपये मेरा गया तो मतलब क्या, मतलब मेरा लूट जाऊंगा मैं तो। दोस्तों वो जो मैंने अभी दिखाया है उसमें 2 से 3 लाख रुपए गए हैं मेरे, उसमें वेलनेस के लिए भी है, मेरे खुद के डिसीज़ के लिए भी है और मेरे मम्मी के डिसीज़ के लिए भी है। ओके, तो खर्चा करने के बाद ही हम लोग को जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलता है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं 5,000 रुपया 1 महीने में लिया और मुझे रिज़ल्ट चाहिए, ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर एक पॉसिबल उसके हाथ में नहीं है एक महीने में आपको रिज़ल्ट देने की, जो भी आप इच्छा रख रहे हैं ये कोई भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वो खांसी सर्दी की तो नहीं है, बड़े बड़े डिसीज़ है, सेरिब्रल पैलसी है, पैरालिसिस है, थैलेसमिया है, किडनी फेल्योर है, डायबिटीज़ है, तो ये 1 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब हमेशा के लिए बंद होना। उसको हम लोग मतलब 1 महीने के लिए आपको कंट्रोल करके दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली हम लोग तो निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग को एटलीस्ट 3 से 6 महीना, 6 से 9 महीना, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिसीज़, वो कितनी गंभीर समस्या है तो उसके ऊपर फिर हम लोग ये कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी दोस्तों ऐसा है कि वेलनेस के लिए भी हम लोग मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 5,000 रुपये के लिए लोग सोच रहे हैं ना, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी मेरा किचन है, मेरा घर मतलब इतना बड़ा नहीं हो, देखिए दोस्तों ये घी है, ठीक है, ये घी का जो प्राइस है ये ओनली 500 ग्राम का घी है, इसका प्राइस है 695 रुपीज। इसका प्राइस है, आपको दिख रहा है क्या, देखिए ये देसी घी है, देसी घी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। जो भी अभी हनी वगैरह जो यूज़ कर देता हूँ करता हूँ मैं, उसमें भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको मैंने जैसे बताया कि हम लोग को 5,000 रुपीज़ के लिए सोचना नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप क्या कुछ 5,000 डाल के कुछ मतलब बड़ा आपका कुछ ये होने वाला नहीं है। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें 150 के ऊपर हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो भी दुनिया भर के हैं, जो भी मतलब मेडिसिनल है उसको हम लोगों ने कलेक्टिवली उसका उसको लेके जूस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये शुरू का ट्रीटमेंट है, अगर बाद में हम लोग अगर चाहिए तो फिर हमारे पास अलग अलग देसी उपाय भी है, तो वो भी हम लोग बाद में ऐड करते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट आता है फिर हम लोग वैसे उसमें ऐड करते जाते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे आपको यही बताना था कि आप 5,000 रुपये के लिए आप सोचते मत रहिए, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको विदाउट अगर साइड इफेक्ट कुछ ट्रीटमेंट है तो आप उसको मतलब भरोसा रख के आप उसको एटलीस्ट 3 से 6 महीना कीजिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं है और 100% बेनिफिट है, विटामिन्स मिनरल्स ये तो बॉडी को चाहिए ही, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यही कहना था कि आप 5,000 रुपया जो या जो भी है 6,000 रुपया 7,000 उसका आप इतना सोचते मत रहिए, हमारा जो शरीर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप उसको टाइम पे यूज़ करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, अगर आप टाइम निकालेंगे तो वो डिसीज़ आपका बढ़ जाएगा और फिर आपको लाखों में खर्चा करना पड़ेगा, ये आप सोचिए। और तो आप नेचुरोपैथी या नेचुरल प्रोडक्ट या नेचर के पावर जो भी है वो आप
इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए आप हेल्दी रहने के लिए। तो बस दोस्तों, मुझे इतना ही कहना था। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।